दिल्ली में यमुना के पानी से नहाए डीजेबी डायरेक्टर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने चुनौती दी थी, यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी और अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी। अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी और ऐसे में खुद यहां पर अधिकारी पहुंचे यमुना तट पर और उन्होंने यमुना के पानी से स्नान किया। यमुना के पानी से नहाए डीजेबी डायरेक्टर और बता दें आपको बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने चुनौती दी थी, यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी, अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी, अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। तो किस तरह से सियासत यहां पर हो रही है छठ को लेकर, इस महापर्व को लेकर और यमुना के पानी को लेकर। दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी भ्रांति फैलाई गई, एक ऐसा झूठ परोसा गया कि हमने यमुना के अंदर जहर मिला दिया है। ऐसा नहीं है। इसको साबित करने के लिए चार दिन से पांच दिन से हम यहाँ पर ये केमिकल डाल रहे हैं। आज इसका प्रभाव अधिकतम होना चाहिए, इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि हम स्वयं इसमें स्नान करके देखें। क्वालिटी का नया, क्वालिटी चेक करने का तरीका ये, अगर देखिए जिस तरह की भ्रांतियां हैं लोगों को ये बताने का तरीका है कि ये केमिकल जहरीला नहीं है, इसलिए मैंने खुद नहा करके दिखाया है ये केमिकल बिल्कुल सही है, सेफ है, बॉडी के लिए सेफ है, इको फ्रेंडली है। हमने यहाँ पर फिशेस के ऊपर भी टेस्ट किए हैं, बायो एस से रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो फिशेस हैं वो तंदुरुस्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, ना फ्लोरा पे इफेक्ट है ना फूना पे इफेक्ट है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता रोहित का। रोहित, तमाम यहाँ पर दावे किए जा रहे, देखिए किस तरह से अधिकारी डीजेपी डायरेक्टर जो है वो खुद यमुना की नदी से नहाते हुए नजर आए, यहाँ पर चुनौती उन्हें दी गई थी। हालांकि बीजेपी तमाम यहाँ पर जो है आरोप लगा रही है कि किस तरह से कोई भी यहाँ पर तैयारी नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। देखिए सियासतदान अपना काम कर रहे हैं और माँ यमुना गंदी थी, या मैं यूं कहूं माँ यमुना का पानी दूषित था, दूषित है और आने वाले वक्त में भी अगर सियासत का यही हाल रहा तो दूषित रहेगा जरूर। आप संजय शर्मा के वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने खुद पानी मंगवाया अंदर से और खुद नहाए, लेकिन लेकिन अगर माँ यमुना इतनी साफ हो चुकी थी तो एक तस्वीर मैं चाहूंगा आप देखे, अगर माँ यमुना इतनी साफ हो चुकी थी तो फिर यहाँ पर बैरिकेड्स डाउन क्यों किए गए हैं? क्योंकि पिछले 3 सालों से छठ व्रती इस बात का इंतजार कर रहे थे कि माँ यमुना में आके वो अर्घ दे पाए। अगर माँ यमुना का पानी इतना साफ है तो आखिर यहाँ पर बैरिकेड डाउन क्यों किया गया है, यहाँ पर क्यों कृत्रिम घाट बनाया गया है? देखिए सियासत ये है, देखिए क्योंकि जल विभाग जो है आम आदमी पार्टी के अंडर आता है और जो टसल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिलती है उसी क्रम में ये वार पलटवार का बड़ा दौर था। प्रवेश शर्मा जिनके ऊपर FIR तक कराने की बात दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी करा रहे हैं, पुलिस फोर्स का बड़ा डिप्लॉयमेंट भी कुछ के भोला घाट पर मौजूद है जहां पर वो पूरा घटनाक्रम हुआ था और अब से कुछ देर पहले संजय शर्मा वहीं पर पहुंचे हुए थे। बड़ा सवाल ये है, सियासत होती रहेगी लेकिन आज तीसरा दिन है छठ का, महापर्व का, महातप का और आज आस्था का भी बड़ा दिन है, इसलिए सियासत की बात थोड़ी साइड में रख देते हैं, बात आस्था की करते हैं। ITO घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर तैयारियां अगर आप देखेंगी व्यापक तैयारियां यहां पर की गई है, कृत्रिम घाट आर्टिफिशियल फोन यहां पर जरूर तैयार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहां पर पहुंचेंगे। पंडाल पूरी तरीके से सज चुका है, यहां पर माँ छठी के गीत जारी है, धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और घाट, अगर कृत्रिम घाट आप देखना चाहे छोटे छोटे बच्चे आप देखिए क्योंकि पूरे परिवार के साथ भगवान भास्कर को आज संध्या अर्घ दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई है पूरी तरीके से। बिल्कुल रोहित, इस वक्त आप पहुंचे हुए हैं घाट पर और ऐसे में यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर महिलाएं इस त्योहार को कितने बढ़ चढ़ के मना रही हैं। देखिए साल भर इस त्योहार का इंतजार होता है और 4 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, महिलाओं में इस त्योहार को लेकर कितना उत्साह है? उत्साह बहुत ज्यादा है और सिर्फ 1 साल का नहीं बल्कि पिछले 2 से 3 सालों का उत्साह है, क्योंकि आप जानती हैं कोविड काल में किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग अगर पीयूष थोड़ा सा आगे आ पाए तो हम वो घाट की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव सी मीडिया के पास। सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, अब तक ये जगह थोड़ी खाली थी लेकिन यहाँ पर अब लोगों का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। लोग टोकरियों में आप देख सकते हैं बांस की ये टोकरियां जिसके अंदर
पूरा पूजन का सामान जिसके अंदर ठेकुआ बना हुआ है, सूप रखा हुआ है, ये लोग यहाँ पर आप देखिए अपनी अपनी जगहों को पूरी तरीके से ब्लॉक डाउन कर चुके हैं। सुबह जिस वक्त हम पहुंचे थे तो ये जो बेदियां हैं ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको सुबह ही खड़ा किया गया, पेंट किया गया और यहाँ पर आप उत्साह देख लीजिए, धीरे धीरे करके छठ व्रती यहाँ पर पहुंच रही है। क्योंकि बड़ा बड़ा तप भी है, क्योंकि कल खरने के बाद जो प्रसाद उन्होंने खाया होगा उसके बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत उनका है। अगर वो कुछ कहना चाहें, आज आप भगवान भास्कर को अर्घ देंगी, कैसी रही तैयारी आपकी? बहुत अच्छे से तैयारी करी। क्या कुछ बनाया आपने? हाँ, क्या कुछ बनाया? पकवान बनायी, ठेकुआ बनायी हूँ। ठेकुआ है इसमें? हाँ जी है। कुछ गीत भी आप लोग गा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं सुन रहा था, गाना चाहेंगे क्या माँ छठी के लिए? गाइए गाइए माँ छठी का कोई गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्योंकि आप गा रही थी अभी। के पात पर उगलन सूरज माँ से झाके झूके हो करेलू छठ बरतिया से झाके झूके हो करेलू छठ बरतिया से झाके झूके हम तो से पूछिया रतिया है बरतिया से किनका लागी हो करेलू छठ बरतिया से किनका लागी हो करेलू छठ बरत हम रोजे सामी पवन ऐसन सामी से हुनके लागी हो करेलू छठ बरतिया से हुनके लग हम रोजे बेटा पवन ऐसन बेटावा से हुनके लागी हो करेलू छठ बरतिया से हुनके लागी हो करेलू छठ बरतिया से हुनके लागी नारियल के पात पर उगलन सूरज माला झाके झूके हो करेलू छठ बरतिया से झाके झूके हो करेलू छठ बरती हम तो से पूछिया रतिया है बरतिया से किनका लागी हो करेलू छठ बरतिया से किनका लागी हो करेलू छठ बरतिया से। बहुत शुक्रिया, जय माँ छठी। देखिए तो यहाँ पर उत्साह काफी ज्यादा अब है और धीरे धीरे करके बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। पूजन यहाँ पर होगा और डूबते हुए भगवान भास्कर को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। बड़ा तप है, बड़ा व्रत है और पिछले कई वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि इस तरीके से, अगर उस तरफ की भी आप तस्वीरें देखेंगे, देखिए ये आर्टिफिशियल पॉन्ड यहाँ पर तैयार किया गया है क्योंकि एनजीटी के आदेश अनुसार माँ यमुना में नहीं जाने की इजाजत है उस पानी को लेकर जिस तरह की सियासत लगातार हुई जिसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन सियासत अपनी जगह है, बात यहां पर आस्था के महा पर छठ की इस वक्त जी मीडिया कर रहा है। और देखिए अब धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी लगभग 2 बज रहा होगा 2:30 बज रहा होगा 5:34 का वो शुभ मुहूर्त है जब भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। और यहां पर तैयारियां बिल्कुल पूरी है, लोग पूरे पूरे तरीके से आस्था में डूबे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने सुना भी किस तरह से महिलाएं जो हैं छठी मैया के गीत गुनगुनाती हुई नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छे दृश्य, इतनी अच्छी तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम तक का वक्त है और देखिए भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है महिलाओं की। महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ पूजा की सामग्री के साथ पहुंची हुई हैं और आज शाम को 5:34 का जो वक्त यहां पर तय किया गया है और ऐसे में भगवान ने सूर्य को वो अर्घ देंगी, डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। और इसी तरह से कल का जो दिन होगा और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।